हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस वीडियो में हम कुछ डर्मेटोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जहाँ पे पहली टर्म है मैक्यूल। तो मैक्यूल है ये ऐसा फ्लैट, ऐसे चपटा कलर लेजियन होता है, ऐसे अलग अलग कलर के घाव रहते हैं और इनका डायमीटर रहता है, इनका घेराव रहता है, वो रहता है 2 सेंटीमीटर से कम। ये नॉट रेजेड अबो द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग स्किन, जो चमड़ी है आसपास की उससे ऊपर ऐसे उभार नहीं होता। जो आसपास की चमड़ी है इसके साथ में ही ऐसे समतल रहते हैं, ओके फ्लैट रहते हैं। तो इसके एग्जांपल में देखें तो रूबेला का घाव देखने को मिलता है, देन रोस्पोट ऑफ द टाइफॉइड फीवर, जो टाइफॉइड फीवर के अंदर सीने के ऊपर पेट के ऊपर ऐसे रोस्पोट निशान बन जाते हैं, तो ये सब यहाँ पे मैक्यूल्स इनको बोलते हैं। देन उसके अलावा देखें तो यहाँ पे विटिलिगो की कंडीशन रहती है, जहाँ पे चमड़ी ऐसे वाइट बन जाती है, सफ़ेद बन जाती है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे मैक्यूल देखने को मिलता है। एंड आगे की टर्म है यहाँ पे पेच। पेच है ये नॉन पाल्पेबल, ऐसे स्पर्शनीय नहीं रहते, ऐसे महसूस नहीं होते और डिफरेंट कलर के लेजियन होते हैं, गाव रहते हैं विथ डिस्टिंक्ट बॉर्डर। उनकी जो बॉर्डर रहती है ये ऐसे स्पष्ट देखने को मिलती है और इनका जो डायमीटर है, घेराव है, ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है, तो इसको बोलते हैं पेच। आप इमेज में देख सकते हो इनको बोलते हैं यहाँ पे पेच। आगे का टर्म है यहाँ पे वेसिकल। वेसिकल है ये फ्लूड कंटेनिंग सुपरफिशियल थिन वॉलेड कैविटी है, 1 सेंटीमीटर से कम इसका जो घेराव है वो देखने को मिलता है। जो वेसिकल है ये यहाँ पे प्रवाही भरी ऐसे थैली जैसा, कैविटी जैसा बन जाना, जिसका घेराव है ये 1 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो जो वेरिसेला का वेसिकल्स देखने को मिलता है, देन सेकेंड डिग्री बर्न इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। आगे की टर्म है यहाँ पे बुल्ला। तो बुल्ला है ये यहाँ पे वैसे ही जैसे वेसिकल है, ये भी यहाँ पे फ्लूड कंटेनिंग सुपरफिशियल थिन वॉलेड कैविटी देखने को मिलती है और ये यहाँ पे ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखने को मिलता है, प्रवाही भरी ऐसे छोटी थैली जैसा बन जाना। पे आप इमेज में देख सकते हो ऐसे बुल्लस इम्पेटिगो की कंडीशन है, देन बुल्लस पैम्पिगोइड रहता है, तो इनके अंदर देखने को मिलता है यहाँ पे बुल्ला। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे पुस्टुल। तो पुस्टुल है ये यहाँ पे पस कंटेनिंग, इसके अंदर मवाद भरा रहता है और ये भी सुपरफिशियल रहती है, थिन वॉलेड पतली दीवार वाली ऐसी कैविटी देखने को मिलती है, ऐसे गुहा से बाहर की ओर सुपरफिशियल थिन वॉलेड पतली दीवार वाला मवाद भरा गुब्बारा देखने को मिलता है और ये यहाँ पे फ्रिक्वेंटली अराइज फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स एंड स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली बार बार जो हेयर फॉलिकल्स रहता है उससे उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल में देखे तो जो एक्ने रहता है, फरंकल्स रहता है, तो इनको बोलते हैं पुस्टुल। आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे पेप्यूल। तो पेप्यूल है ये यहाँ पे ऐसे स्मॉल, ऐसे छोटा पाल्पेबल सॉलिड लेजियन रहता है, सख्त घाव रहता है, जिसका डायमीटर है ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से कम रहता है और ये यहाँ पे रेजेड अबो द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग स्किन, आसपास की चमड़ी है उससे ऐसे ऊपरी ओर उठा हुआ रहता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे ब्लू नेवस रहता है, देन स्मॉल चेरी एंजियोमा, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। देन आगे की टर्म है यहाँ पे प्लेक। तो प्लेक है ये यहाँ पे पाल्पेबल देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसे छूने पर हमें महसूस होता है, ये भी सॉलिड लेजियन होता है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा घेराव है, वैसा सख्त लेजियन देखने को मिलता है। पेप्यूल्स था वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलता था उसका घेराव, और यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा घेराव है, तो इसको बोलते हैं प्लेक। इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे थीरियासिस रोजिया की कंडीशन, जहाँ पे ऐसे रेड कलर के स्केलिंग प्लेक देखने को मिलते हैं, सोरियासिस की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे सेबोरिक वॉट की कंडीशन है, तो ये यहाँ पे ब्राउन कलर के प्लेक देखने को मिलते हैं। देन जेंथोमा की कंडीशन है, जहाँ पे बिल्डअप ऑफ द फैट अंडर द सर्फेस ऑफ स्किन, चमड़ी के अंदर यहाँ पे ऐसे फैट का जमा होना, जिसको यहाँ पे जेंथोमा की कंडीशन बोलते हैं, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे येल्लो कलर के प्लेक देखने को मिलते हैं। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे व्हील्स या फिर यहाँ पे हाइव्स, जो कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कोई इंसेक्ट काट ले हमें, जंतु काट ले उसके बाद में, उसके अलावा देखे तो अर्टिकेरिया की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में ऐसे घाव बन जाते हैं। और रेजेड इरिथोमेटस एंड इडेमेटस, मतलब कि यहाँ पे ऐसे उभरे हुए लाल कलर के और ऐसे सूजे हुए पेप्यूल्स देखने को मिलते हैं हमें। आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे टेलेंजेक्टेसिया। तो टेलेंजेक्टेसिया मतलब कि डायलेटेड सुपरफिशियल ब्लड वेसल, बाहरी की सतह की जो खून की नलियाँ है ये ऐसे चौड़ी बनना, तो इनको बोलते हैं टेलेंजेक्टेसिया। उसके अलावा देखे तो रहता है यहाँ पे एंजियोक्टेसिया। एंजियोक्टेसिया को बोलते हैं स्पाइडर नेवी, ऐसे मकड़ी की जाल की तरह जो खून की नलियाँ है इनका बन जाना। यहाँ पे आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे पेटेचिया। तो पेटेचिया है ये यहाँ पे ऐसे फ्लैट, ऐसे सपाट रहता है, पिन हेड साइज के मैक्यूल देखने को मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलते हैं जो
पिन पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वास्कुलर ब्लड जो है इनकी वजह से देखने को मिलता है। खून की नली के आसपास का जो खून रहता है इनकी वजह से देखने को मिलता है। ये यहाँ पे 1 से 2 mm के साइज़ के रहते हैं, रेड कलर के रहते हैं। उसके अलावा देखें तो पर्पल कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो इनको बोलते हैं यहाँ पे पेटेचिया। नागी की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे परप्यूरा, तो परप्यूरा है ये भी पर्पल कलर के देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे रेड या फिर पर्पल कलर के, और ये पेटेचिया रहते हैं इनसे साइज़ में बड़े रहते हैं। ओके, जैसे पेटेचिया है ये 3 mm से कम साइज़ के रहते हैं, जबकि परप्यूरा है ये यहाँ पे 0.3 to 1 cm, मतलब कि 3 से 10 mm के बीच के रहते हैं। आगे रहता है यहाँ पे इकाइमोसिस, इकाइमोसिस है ये भी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 cm। अगर जो पेटेचिया परप्यूरा है वैसे ही घाव देखने को मिलते हैं, और ये यहाँ पे 1 cm से ज़्यादा का साइज़ है, तो इनको बोलते हैं इकाइमोसिस। देन आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे इरिथेमा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, इरिथ्रोज जो रहता है जिसका मतलब रहता है रेड, तो यहाँ पे रेडनेस ऑफ द स्किन, चमड़ी की ऐसे लाल बन जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इरिथेमा। तो ये थी यहाँ पे कुछ डर्मेटोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।